हेलो एवरीवन, आज हम 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सेट्स में कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनको उनका वेरिफिकेशन मैं आपको वेन डायग्राम से बता करके और उनको समझा करके फिर उन पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। ये आपका लगभग लास्ट टॉपिक रहने वाला है सेट्स में, जो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर आपका सेट्स। 12th क्लास में भी इसका काफी कुछ यूज रहने वाला है। तो पीछे की जो वीडियोज है वो और ये वीडियोस जो अभी मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, ये जो समझाने वाला हूँ, इन सभी में जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, टॉपिक बताए गए हैं, उनके नोट्स बना करके और अच्छे से समझ करके तैयारी करो, जिससे आगे 12th क्लास में आपको दिक्कत ना आए। तो क्या क्या प्रॉपर्टी जो मैं अभी राइट कर रहा हूँ, पहले कोई दो साइड पर मैं प्रॉपर्टी राइट करता हूँ कि अपने पास ये यूनिवर्सल सेट है, ध्यान देना। और ये आपका एक सेट ए है और ये सेट आपका बी सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी टॉपिक है, समझना। फिर यहाँ से एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी। एन का मतलब हो गया ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल आते हैं आपका एन ए, ए में जितने एलिमेंट है, प्लस एन बी, बी सेट में जितने एलिमेंट है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई थी, मैं वेन डायग्राम से आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। तो ध्यान देना, एन का मतलब सिंपल है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये तो आपका ए यूनियन बी हो गया। एन का मतलब क्या हो गया, कार्डिनल नंबर इसका। एन ए का मतलब ए का कार्डिनल नंबर, एन बी का मतलब बी का कार्डिनल नंबर, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर। तो यहां से देखना, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का मतलब मैंने बताया था कि ए सेट में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, और जो दोनों में कॉमन है, सभी एलिमेंट अगर हम राइट कर देते वो आपका क्या आता है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब हो गया ये कंप्लीट, आपके पास ये कंप्लीट पोर्शन आ गया। इसमें तीन पार्ट बन रहे हैं, ए का इतना वाला पार्ट, ये बीच में दोनों का कॉमन, और ये पार्ट। अब यहां से मैं देखता हूं किसके इक्वल आपका एन ए, ए का मतलब हो गया ये कंप्लीट सेट आपका, ये कंप्लीट सेट हो गया, प्लस एन बी, एन बी का मतलब ये कंप्लीट सेट हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बीच वाला पोर्शन तो दो बार काउंट हो गया, ये वाला ए में भी काउंट हो गया और बी में भी, लेकिन हमें लेना तो एक बार ही था। तो मैंने क्या किया, ये बीच वाला पोर्शन होता है क्या, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन होता है, तो हमने क्या कर दिया, इसका इंटरसेक्शन यहां से क्या कर दिया, माइनस। ये सिंपल था। एक और प्रॉपर्टी आती है कि इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, फाई का मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इस बार वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा आपका, मतलब ए सेट भी बिल्कुल अलग है, बी भी बिल्कुल अलग, ये ए सेट और ये बी सेट है, इंटरसेक्शन जिसका फाई है, मतलब कुछ कॉमन पोर्शन ये वाला पोर्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर ये फाई के इक्वल है तो अपना यूनियन किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा आपका, एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला बनने वाला है आपका, मतलब ये वाला कंप्लीट प्लस ये वाला कंप्लीट। नेक्स्ट एक तीन सेट पर और फॉर्मूला बनता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका एन ए ए सेट के एलिमेंट प्लस एन बी बी सेट के एलिमेंट प्लस एन सी सी सेट के एलिमेंट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का माइनस किया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर तीन सेट लेंगे हम, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है और ये आपका सी सेट है। तो ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये आपका यूनिवर्सल सेट। देखो काफी प्रॉब्लम हम इसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके काफी इस टाइप से सोल्व होंगे, जो हम इन फॉर्मूले से सोल्व करेंगे और वेन डायग्राम का यूज करके उनको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से देखो कि तीनों का यूनियन का मतलब क्या हो गया, ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, सी में जो एलिमेंट है, ये वाला पोर्शन तीनों का कॉमन हो गया। ध्यान देना, ये पोर्शन ए में भी है, बी में भी है और सी में भी, ये तो तीनों का इंटरसेक्शन, ये पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन हो गया, तीनों का इंटरसेक्शन। अगर इस वाले की बात करूं तो ये पोर्शन कौन सा हो गया, ए और बी का कॉमन, ये पोर्शन क्या हो गया आपका, ए और सी का कॉमन, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, जो बी में भी है और सी में भी है। तो यहां से देखो तीनों का यूनियन मतलब ये ओनली ए वाला पार्ट, ओनली बी वाला पार्ट, ओनली सी वाला पार्ट, तीनों ऐड किए, और उसके साथ और क्या ऐड होगा, ये वाला पार्ट मतलब कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, ये एक दो तीन चार पांच छह और सात, सातों को ऐड करने के बाद आपका यूनियन आएगा।
तो लेकिन यहां से तो हमें अलग अलग हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो यहां से क्या फॉर्मूला इसने बनाया कि ए को कंप्लीट को ऐड करो, ये कंप्लीट मैंने ऐड किया, बी को कंप्लीट ऐड किया और सी को कंप्लीट ऐड किया। अब ध्यान देना, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये वाला पोर्शन दो बार ऐड हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला दो बार ऐड हो गया, और इन दोनों को ऐड किया तो ये भी दो बार ऐड हो गया, तो तीनों को मैंने एक एक बार माइनस कर दिया। दो बार ऐड हुआ था ये ए में भी और बी में भी, तो ये एक बार माइनस किया, इधर भी ये दो बार ऐड हो गया ए में और सी में, ये भी माइनस कर दिया, इधर ये भी ऐड हो गया, ये तीनों माइनस कर दिए। अब देखो तीनों माइनस किए तो ये माइनस और हो गया, कितनी बार माइनस हो गया, तीन बार माइनस हो गया, ये कितनी बार माइनस हो गया, तीन बार, एक बार तो इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ हो गया और एक बार इसके साथ हो गया, तो ये मैंने एक बार क्या कर दिया इसमें ऐड, क्यों, क्योंकि ये एक बार ऐड तो होगा, क्योंकि ये काउंट तो करना है ही हमें, है ना। चलो तो यहां से आपका ए यूनियन बी का और ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले आ गए। अब इस पर बेस को सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये सब कुछ आपको और इजीली, अभी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा तब और इजीली मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन और करते हैं, अभी भी हम इन कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके तीन पार्ट है, कैसे क्या सोल्व करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या दे रखा है कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 to 8, इसका कार्डिनल नंबर बोलो तो कितना रहेगा आपका 8। एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 to 4, तो ए सेट का कार्डिनल नंबर 4 हो गया। बी सेट में 3, 4, 6, तीन एलिमेंट है तो बी का कार्डिनल नंबर अगर मैं राइट करना चाहूं तो 3 हो गया। ऐसे ही आपका सी सेट देखकर उसके बाद ये तीन प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करके दिखानी। मैं पहली प्रॉपर्टी लेकर के चल रहा हूँ जो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या प्रूव करना है कि आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, क्या सोल्व करेंगे ब्रैकेट, तो सोल्व करता हूँ पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, जो बी सेट था और जो सी सेट था उसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो, तो बी और सी में कॉमन क्या है, वहां पर 3, 4 और 6 है, यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 है, तो केवल 6 एलिमेंट कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, केवल एक एलिमेंट आएगा 6, तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी अपना आ गया। अब क्या करना है, इस सेट का ये सेट अपना आ गया, इस सेट का ए के साथ यूनियन करना है, तो मैं निकालूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट का है अपना, ए सेट ये रहा और बी इंटरसेक्शन सी सेट ये रहा, दोनों का यूनियन का मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन है वो एक बार और बाकी के एक बार, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और एक एलिमेंट क्या आ जाएगा अपना 6, तो ये साइड कितनी हो गई 1, 2, 3, 4 और 6, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड यहां से हो गई। अब मैं राइट हैंड साइड सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर ए यूनियन सी निकालो, फिर दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। तो पहला एक सेट में निकाल रहा हूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी दो सेट में, ये रहे दोनों सेट, इनमें इनका यूनियन का मतलब जो कॉमन है वो एक बार और बाकी के बचे हुए एलिमेंट एक बार, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 3, 4 तो कॉमन है ही, तो ये तो एक बार राइट करेंगे और 1, 2, 6 और राइट करेंगे, तो क्या आ जाएगा इन दोनों का यूनियन 1, 2, 3, 4 और 6 आ गया। नेक्स्ट क्या निकाल रहा हूं मैंने, ये साइड ये पार्ट निकाल दिया, ए यूनियन सी निकाल रहा हूँ, तो ए यूनियन सी कैसे निकालो गया, ए और सी में जो कॉमन है वो एक बार और बाकी के एक बार, ए का और सी का यूनियन, तो 1, 2, 3, 4 है यहाँ पर 5, 6, 7, 8, तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सभी एलिमेंट हम राइट कर देंगे, तो क्या आएगा अपना 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपका आ गया ए यूनियन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें क्या करना है, दोनों सेट अपने पास आ गए, इनका क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो अब मैं क्या निकालूंगा ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इन दोनों को कैसे सोल्व करने वाले हम, ये अपना सेट पता है हमें कितना है ये रहा, और ये दूसरा सेट भी हमें पता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है वो, ये भी कॉमन है, ये एलिमेंट भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, और लास्ट में 6 भी क्या है अपना कॉमन, तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर आएगा 1, 2, 3, 4 और 6, 1, 2, 3, 4 और 6, तो यहां से देखते हैं दोनों साइड लेफ्ट और राइट इक्वल आई या नहीं आई, 1, 2, 3, 4 और 6, 1, 2, 3, 4 और 6, तो यहां से लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए, तो ये अपना क्या सोल्व हो गया, पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें, सेकंड पार्ट में पहले मैं वही लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूं, तो
तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या निकालेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालो आप। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी में जो कॉमन है वो एक बार और बाकी के एक बार, तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 6, इसमें एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 और 6। ये तो हमने ए यूनियन बी निकाला, लेकिन इस पर डैश और है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो आप टाइप ऑफ सेट में मैंने आपको बताया था, या ऑपरेशन ऑन सेट में वाले टॉपिक में बताया था मैंने, कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से वो सेट क्या कर देना, माइनस। तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, और इस सेट का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इस सेट में से ये एलिमेंट क्या कर देंगे हम, माइनस। तो क्या क्या माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल 3 एलिमेंट बचेंगे अपने, 5 7 और 8। यहां से अपने लेफ्ट साइड सोल्व हो गई, अब राइट साइड सोल्व करते हैं। राइट इधर कर लेता हूँ, चलो मैं राइट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में क्या दे रखे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए कम्प्लीमेंट, ब्रैकेट नहीं है, पहले ए कम्प्लीमेंट निकालो, बी कम्प्लीमेंट निकालो, और फिर उनका क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो ए कम्प्लीमेंट में बताओ क्या क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए सेट क्या कर देंगे हम, माइनस। तो यहां से 1 2 3 4 चार एलिमेंट हट गए, क्या बचे, 5 6 7 8। तो 5 6 7 और 8, यहां से बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए सेट यूनिवर्सल में से बी वाले एलिमेंट क्या कर देंगे हम, माइनस। तो क्या माइनस हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6, 3 4 और 6, 3 एलिमेंट माइनस हो गए, क्या बचा, 1 2 5 7 8, 1 2 5 7 और 8, दोनों का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमें निकालना है क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो यहां से ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 8। तो क्या आ गया, 5 7 और 8। तो यहां से देखो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अपना सेकंड प्रॉपर्टी भी सोल्व हो गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है कि पहले निकालना है ए यूनियन, ठीक है, किसका, इस ब्रैकेट वाले टर्म का। तो ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपने, सॉरी सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आपका, ए माइनस क्या करना है, बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी निकाल रहे हैं हम। तो बी यूनियन सी का है अपना, देखो बी ये रहा और सी ये रहा, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा अपना, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, क्योंकि क्या कॉमन था इसमें, 6 कॉमन था, बाकी सारे एलिमेंट मैंने राइट कर दिया। अब क्या निकालना है, ए में से ये माइनस करना है, तो ए माइनस बी यूनियन सी, इसका मतलब ए सेट में से ये जो सेट आया था आपका बी यूनियन सी, ये माइनस करना है। तो ए सेट में एलिमेंट थे 1 2 3 4, और इसमें कौन से, 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो यहां पर तो कॉमन केवल 3 और 4 है, तो ये एलिमेंट यहां से क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा, 1 और 2। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड यहां से सोल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, पहले ए माइनस बी निकालो, ए माइनस सी निकालो, ब्रैकेट सोल्व करो, फिर दोनों क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी निकाल रहा हूं पहले मैं, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट माइनस करने, तो वही 3 4 कॉमन है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए सेट में 1 और 2 बचा। ऐसे ही अपना क्या था, ए माइनस सी, ए माइनस सी में निकाल रहा हूं, तो ए में से सी के एलिमेंट माइनस, तो क्या कॉमन है इसमें, 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या बचेगा, केवल ए सेट बचेगा अपना, 1 2 3 और 4। अब दोनों का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन लेना है। क्या फाइंड आउट करूंगा मैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो यहां से देखो दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो, तो कॉमन केवल 1 और 2 ही है, तो यहां से अपना थर्ड वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। तो इस टाइप से बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, इन ऑपरेशन पर बेस्ड जिस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, अपने प्रैक्टिस करना और नोट्स रेडी करो इनके। ओके।